स्टडी चैप्टर वन ऑफ प्लांट्स मेक फूड इन क्लास फोर साइंस. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट लीफ. वी विल स्टडी अबाउट लीफ, फोटोसिंथेसिस, द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग थिंग्स. तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. प्लांट्स मेक फूड. वी नो दैट प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव एंड ग्रो. हमें पता है कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव. सभी सजीव वस्तुओं को फूड चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए और अपने आप को बढ़ाने के लिए. ह्यूमन बींग्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जैसे हम लोग हैं, ये लोग, हम लोग क्या करते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स दोनों को खाते हैं. दस दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड. इसलिए ये प्लांट्स और एनिमल्स पर निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए. सिमिलरली एनिमल्स ईट प्लांट्स, अदर एनिमल्स और बोथ. इसी तरीके से एनिमल्स जानवर भी होते हैं, ये प्लांट्स को भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं. सो एनिमल्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. इसलिए एनिमल्स भी, जो जानवर भी होते हैं, वो भी निर्भर होते हैं किस पे? प्लांट्स पे और अदर एनिमल्स पे. बट प्लांट्स डू नॉट डिपेंड ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स फॉर फूड. लेकिन जो प्लांट्स होता है वो, जैसे ह्यूमन बींग्स निर्भर होते हैं प्लांट्स पे और प्लांट्स निर्भर होते हैं एनिमल्स निर्भर होते हैं प्लांट्स पे और अदर एनिमल्स पे, इसी तरीके से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी निर्भर होते हैं किस पे? प्लांट्स पे. लेकिन प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं है, प्लांट्स किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता. डू नॉट डिपेंड ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स फॉर फूड. वो अपना खाना स्वयं से तैयार करता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता. दे मेक देयर ओन फूड. वो अपना खाना खुद से बनाता है. दिस यूनिक एबिलिटी मेक्स प्लांट्स डिफर फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स. ये एक अनोखी क्षमता है प्लांट्स की कि वो खाना अपने से बनाते हैं और यही उन्हें अदर लिविंग थिंग्स से, अदर सजीव वस्तुओं से अलग करती है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट्स. इस क्षमता के, प्लांट्स की इसी क्षमता से, दैट लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. धरती पर जीवन संभव है प्लांट्स की इसी कि प्लांट्स अपने खाना खुद से बनाते हैं. अदरवाइज ऑल लिविंग थिंग्स वुड हैव ईटन अप ईच अदर बाय नाउ. नहीं तो अभी तक क्या होता, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे को ही खा जाते हैं अब तक. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो कैसे अपना खाना बनाते हैं. लीफ द, देखिए यहाँ पे लिखा है लीफ द फूड प्रोड्यूसर. लीफ क्या होती है? फूड प्रोड्यूसर होती है, यानी खाना बनाती है. लीफ पे ही प्लांट्स का खाना बनता है. इन अ प्लांट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड टेक्स प्लेस इन इट्स लीव्स. प्लांट्स में क्या होता है? उनकी लीव्स में ही उनका खाना बनाने की प्रक्रिया होती है. दैट इज वाई लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स. इसीलिए लीव्स को प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कहते हैं, यानी खाना बनाने का खजाना कहते हैं, खाना बनाने का कारखाना कहते हैं. You already knows that different plants have leaves of different shapes and size. जैसा कि हमें पता है सभी पेड़ पौधों की लीव्स, पत्तियाँ जो होती हैं वो एक साइज की नहीं होती, किसी की बड़ी होती हैं, किसी की छोटी होती हैं. तो ये हम जानते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ लीव. अब हम देखेंगे कि लीव का स्ट्रक्चर, उसकी संरचना कैसे होती है. ऑब्जर्व अ लीव केयरफुली. देखिए यहाँ पे एक लीव बनी हुई है, इसको ध्यान से देखिएगा. और ये इसके पूरे पार्ट्स बने हुए हैं. ये लीव्स, लीफ है और ये इसके पार्ट्स हैं. अभी मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा. ऑब्जर्व अ लीफ केयरफुली. यू सी द लीफ अटैच टू द स्टेम ऑफ अ प्लांट विद अ वेरी थिन स्टिक लाइक कॉल्ड द लीफ स्टॉक और पीटियोल. देखिए लीफ जो है ये, इसका जो पीटियोल यानी जो डंठल है उससे ये जुड़ी हुई है. लीफ जो है वो इसके डंठल से क्या है? जुड़ी हुई है. इसी को, और इसके डंठल को क्या कहते हैं? पीटियोल कहते हैं. क्या इसे कहते हैं? पीटियोल. द वाइट फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लैमिना. ये जो इसका वाइट, ये जो चपटा हुआ पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ब्लेड कहते हैं. ब्लेड, इसको कहते हैं ब्लेड. इफ यू लुक एट द लोअर सर्फेस ऑफ द लीफ यू विल सी अ मेन वेन रनिंग अलॉन्ग द सेंटर ऑफ द लीफ. अब देखिए बीच से एक वेन बनी हुई है
ये। अगर हम इसके लोअर सर्फेस की बात करें, लोअर मतलब निचला भाग, निचला भाग अगर इसका देखें तो आप देखिए वेयर ऐसे गई हुई है। यू विल सी अ मेन वेन रनिंग अलोंग द सेंटर ऑफ द नी, इट इज कॉल्ड द मिड वेन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मिड वेन, जो वेन जाती है उसे हम कहते हैं मिड वेन। द मिड वेन हैज अ नंबर ऑफ साइड वेन्स। मिड वेन को हिंदी में मध्य शिरा कहते हैं, जिसमें कि बहुत सारी नंबर ऑफ बहुत सारी साइड वेन्स होती हैं। ये देखिए वेन है, इसमें बहुत सारी साइड वेन्स होती हैं। द लीफ लुक्स वेरी थिन, लीफ जो होती है वो पतली सी होती है। बट डू यू नो इट इज मेड अप ऑफ काउंटलेस लेयर्स ऑफ स्मॉल एंड थिन सेल्स। लेकिन ये किससे बनी हुई होती है, काउंटलेस यानी जिसकी जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसकी हम जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उतने लेयर से ये लीफ बनी होती है। देयर फ्लैट सेल्स आर अरेंज्ड वन अबव द अदर। इसकी जो फ्लैट सेल्स होती है, जो फ्लैट मतलब समतल जो होती है, जो सेल्स होती है वो क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, अरेंज होती है एक दूसरे से। सम ऑफ दीज सेल्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। अब जो सेल्स होती हैं वो ग्रीन होती है, ग्रीन क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर एक सब्सटेंस होता है उसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम हिंदी में हरित लवक कहते हैं। क्लोरोफिल की वजह से लीव्स का जो कलर है वो क्या होता है, ग्रीन होता है। लीव्स अपीयर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देम। लीव्स जो है वो ग्रीन दिखती हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। इफ़ यू टर्न लीव ओवर एंड पुट इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर हम लीव को टर्न करें मतलब पलटें और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखें तो क्या होगा, इफ यू विल सी मेनी टाइनी पोर्स इन इट, तो हमें उसमें छोटे छोटे जो है छेद दिखाई देंगे। लीफ को जो हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे हमें छिद्र दिखाई देंगे, छिद्र मतलब छेद दिखाई देंगे। यू विल सी मेनी टाइनी पोर्स इन इट, दे आर नोन एज स्टोमैटा। इन्हें हम क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, इन्हें हम स्टोमैटा कहते हैं। वन सच पोर इज कॉल्ड स्टोमा। स्टोमा कहें या स्टोमैटा कहें एक ही होता है, उसके एक छिद्र को हम क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू दीज स्टोमैटा। प्लांट्स जो होते हैं वो जो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, वो किससे लेते हैं, इन्हीं छिद्र से लेते हैं, इन्हीं छेदों से वो सांस लेते हैं। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ लीफ। लीफ के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, देर आर थ्री मेन फंक्शंस ऑफ अ लीफ। लीफ के तीन फंक्शंस होते हैं, तीन मेन फंक्शंस होते हैं। इट हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू इट्स स्टोमैटा। ये प्लांट्स की सहायता करती है सांस लेने में, किससे, स्टोमैटा से। लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स, सभी सजीव वस्तुओं के जैसे प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन। प्लांट्स भी क्या करता है, जैसे हम लोग भी मतलब ऑक्सीजन लेते हैं तो वैसे प्लांट्स भी क्या करता है, प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेता है एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, लगातार छोड़ता रहता है। ये तो लीफ का पहला फंक्शन है। अब आइए दूसरे फंक्शन पे आते हैं। यू नो दैट द रूट्स एट अ प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल। आपको पता है जो रूट्स होता है प्लांट्स का वो क्या करता है, वाटर कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है, जब मतलब मिट्टी से लेता है। समटाइम्स दे एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो अधिक मात्रा में वाटर पानी को ले लेता है। प्लांट रिलीज दिस एक्सेस वाटर। प्लांट क्या करते हैं, इसको रिलीज करते हैं, इसको अपने अंदर से निकालते हैं, कैसे, इन टू द एयर, एयर में निकालते हैं यानी हवा में निकालते हैं थ्रू देयर स्टोमैटा। किससे निकालते हैं, जो ज़्यादा पानी अधिक मात्रा में पानी ले लेते हैं तो ये अपने स्टोमैटा से उसे बाहर करते हैं। इट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इसी प्रोसेस को क्या हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन समझिए, ट्रांसपिरेशन हम किसको कहते हैं, ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया में प्लांट्स जो मिट्टी से अधिक मात्रा में पानी ले लेता है उसे बाहर निकालता है अपने स्टोमैटा से। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को हिंदी में कहेंगे ये, इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ लीफ, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है लीफ का, इज टू मेक फूड फॉर प्लांट। प्लांट के लिए इसको फूड तैयार करना होता है। ग्रीन लीव्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। जो ग्रीन लीव्स होती हैं, हरी पत्तियाँ होती हैं, वो खाना बनाती हैं। कैसे बनाती हैं, एयर, वाटर और सनलाइट की उपस्थिति में वो खाने को बनाती हैं।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब हम आते हैं फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस क्या होता है। द टर्म फोटोसिंथेसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है फोटो विच मीन्स लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड सिंथेसिस विच मीन्स टू पुट टूगेदर, लाइट को एक साथ रखना कहलाता है सिंथेसिस। इन फोटोसिंथेसिस थ्री थिंग्स, फोटोसिंथेसिस में तीन चीज़ें होती हैं, दैट इज वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किससे किससे मिलकर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है? वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए फोटोसिंथेसिस तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। तीन चीज़ें होती हैं इसमें फोटोसिंथेसिस में, इनको हम मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में मिलाते हैं तीन चीज़ों को? सनलाइट, सूर्य की किरणें, सनलाइट जो होती हैं, सनलाइट की उपस्थिति में हम इन तीन चीज़ों को मिला के फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स। वाटर कहाँ से आता है प्लांट्स में? सॉइल से आता है। किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू। दिस वाटर राइजेज अप थ्रू द स्टेम, ये ऊपर तक जाता है किसके? स्टेम। स्टेम मीन्स डंठल, जो डंठल होता है उसके ऊपर तक ये जाता है। द लीफ स्टॉक्स आर अटैच्ड टू द स्टेम, सो द वाटर रीचेज द लीव्स पासिंग थ्रू लीफ स्टॉक्स, मिडरिब्स एंड वेरियस साइड वेन्स। अब वाटर यहाँ से पहुंचेगा तो कहाँ कहाँ जाएगा? जाएगा ये लीफ स्टॉक में जाएगा। इसके बाद लीफ स्टॉल को हम पीटियोल भी कहते हैं, ये देखिए ये पीटियोल है। इसके बाद ये जाता है मिडरिब में, तो फिर ये जाएगा मिडरिब में। इसके बाद ये जाएगा वेरियस साइड वेन्स, फिर इसके बाद ये यहाँ पे जाता है साइड वेन्स में। द एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स अ लीफ थ्रू टाइनी स्टोमेटा। जो एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में जो एयर होती है, एंटर्स अ लीफ थ्रू टाइनी स्टोमेटा। ये लीफ में कैसे जाती है? जो छोटे छोटे स्टोमेटा छिद्र होते हैं उसके जरिए ये जाती है। नाउ द क्लोरोफिल प्रेजेंट इनसाइड द लीफ, जो क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है, एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, ये सूर्य की किरणों से ऊर्जा को प्राप्त करता है। देन द क्लोरोफिल टेक्स वाटर, इसके बाद क्या होता है? क्लोरोफिल वाटर लेती है, पानी लेता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड यूजिंग द एनर्जी वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को क्लोरोफिल लेकर, फिर ऊर्जा को यूज करके, इस्तेमाल करके, टर्न्स देम इनटू फूड। किसमें चेंज कर देता है? फूड में चेंज कर देता है, खाने में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और स्टार्च। अब फूड भी कैसे बनेगा? फूड बनेगा ग्लूकोज और स्टार्च। द ऑक्सीजन इज रिलीज, जिसके बाद क्या होता है? ऑक्सीजन जो है उसको रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द प्लांट बाय द स्टेम एंड ब्रांचेस। ये फूड क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कहाँ से एक दूसरे जगह पहुँचाने का काम करता है प्लांट से, बाय द स्टेम एंड ब्रांचेस। किससे पहुँचाता है? स्टेम और ब्रांचेस। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड प्रिपेयर्ड प्लांट्स? प्लांट्स यूज देयर फूड इन मेनी वेज। प्लांट्स जो है वो अपने फूड को कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला, पार्ट ऑफ द फूड इज बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी। कुछ पार्ट, थोड़ा सा भाग फूड का क्या करता है? बर्न हो जाता है। बर्न मतलब जल जाता है। वो क्या जल के क्या होता है? एनर्जी, ऊर्जा को बनाता है। दिस एनर्जी इज यूज बाय प्लांट्स टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग। ये एनर्जी प्लांट्स यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने आप को मजबूत और बड़ा करने में। प्लांट्स ऑल्सो यूज दिस एनर्जी टू रिपेयर देयर डैमेज पार्ट्स। अब प्लांट्स इस ऊर्जा को इस्तेमाल करता है जो भी उसके डैमेज टूटे फूटे जो पार्ट्स होते हैं उनको बनाने में, रिपेयर करने में, बनाने में। इफ अ ब्रांच इज कट, अगर ब्रांच कट कर दिया जाए, और सम लीव्स आर ईटन बाय प्लांट्स, बाय एनिमल्स, और कुछ लीव्स जो हैं, कुछ पत्तियां जो हैं वो जानवर खा लें, द प्लांट बिगिंस टू रिपेयर देम। तो प्लांट क्या करेगा? उसको रिपेयर करना, उसको बनाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट, इफ सम फूड इज स्टिल लेफ्ट आफ्टर यूजिंग द फूड, अगर तब भी फूड यूज करने के, जितना फूड यूज करने के बाद अगर तब भी थोड़ा सा फूड बच जाता है, कैरी आउट द लीफ प्रोसेसेस, प्लांट्स स्टोर दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इन देयर रूट्स। तो प्लांट्स क्या करते हैं? उस एक्स्ट्रा अमाउंट के फूड को अपने रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्रूट्स, फ्लावर्स, इनमें क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। वी ईट सच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, और हम क्या करते हैं? उसी पार्ट्स को
जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैबेज बना हुआ है, तो ये कैबेज क्या है? ये एक लीफ सी तो है, इसको हम खाते हैं। फिर कैरेट है, रूट है ये, कैरेट गाजर इसको रूट, और ये क्या है? पोटैटो, ये स्टेम है। ब्रिंजल ये फ्रूट है, और कॉलीफ्लावर ये फ्लावर है। इन चीज़ों का इस्तेमाल हम अपनी, ये सब्जियां हैं, इनका इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मोर टू नो, लिक्विड फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड सैप। प्लांट्स में जो लिक्विड फूड होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सैप कहते हैं। आयोडीन चेंजेस द कलर ऑफ स्टार्च टू ब्लू ब्लैक। आयोडीन जो होता है वो स्टार्च के कलर को क्या करता है? ब्लू ब्लैक में चेंज कर देता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फूड मेकिंग प्रोसेस इन सम अनयूजुअल प्लांट्स। अब कैक्टस ग्रोन इन अ वेरी ड्राई एरिया, कैक्टस एक पौधा होता है सूखी जगह पे ये ग्रो करता है। इट्स लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस, इसकी जो लीव्स होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। इन अ कैक्टस फूड इज प्रिपेयर्ड इन इट्स ग्रीन फ्लैशी स्टेम। कैक्टस में फूड कहाँ पे प्रिपेयर होता है? उसके जो ग्रीन फ्लैशी स्टेम होते हैं उसमें। दैट कंटेन्स वाटर एंड क्लोरोफिल, और उसमें क्या होता है? वाटर और क्लोरोफिल होता है। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक द प्रोटॉन, ये देखिए प्रोटॉन बना हुआ है, इसकी जो लीव्स होती हैं ये क्या अपीयर डार्क रेड, ये डार्क रेड होती है। देयर लीव्स ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल बट अ रेड सब्सटेंस, इसके लीव्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और एक रेड सब्सटेंस। इन इट हाइड्स द क्लोरोफिल, जो कि क्या करता है? रेड सब्सटेंस जो होता है वो क्लोरोफिल को छुपा देता है, यानी हाइड कर देता है। दे नीड अ लेसर अमाउंट ऑफ सनलाइट विच मेक्स देम गुड इनडोर प्लांट्स, लेकिन इस पौधे को ग्रो करने के लिए बहुत ही कम सनलाइट चाहिए होती है। अब हम आते हैं मोल्ड्स, मोल्ड्स को हम कुकून कहते हैं, ये देखिए आपका मोल्ड्स बना हुआ है। एंड मशरूम, मशरूम को हम हिंदी में कुकुन मुत्ता कहते हैं, ये देखिए बना हुआ है मशरूम, ये मोल्ड्स है, ये मशरूम। आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट्स नहीं होते। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, क्यों क्यों नहीं होते? क्योंकि लीव्स वही जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है? वो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होते हैं, लेकिन मोल्ड्स में और मशरूम्स में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये ग्रीन प्लांट्स नहीं। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं। दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स पे ये ग्रो करते हैं। एंड ऑन स्टेल फूड, और जो सड़ा हुआ भोजन होता है उस पे भी ये ग्रो करते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम वॉट एवर दे ग्रो, ये अपना फूड कहीं से भी वहाँ से प्राप्त करते हैं जहाँ पे ये ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स इवन ईट इंसेक्ट्स फॉर देयर कंप्लीट नरिशमेंट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। द वीनस फ्लाई ट्रैप एंड द पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, इसके पत्ते दो भागों में बटे होते हैं, ये देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप है, इसके पत्ते दो भागों में बटे होते हैं और उनके बीच एक गैपिंग, एक उभार होता है, तो हम इसे कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। ये क्या करता है? ईट करता है किसको? इंसेक्ट्स। एंड द पिचर प्लांट, अब पिचर प्लांट क्या होता है? पिचर प्लांट एक सुराही की तरह, सुराही जैसे इसके पत्ते होते हैं, तो इसे कहते हैं सुराही जैसे पत्ते वाला पौधा। आर सच प्लांट्स, दे ग्रो इन सॉयल दैट इज पुअर इन मिनरल्स, ये सॉयल में ग्रो करते हैं जो कि मिनरल्स, जो खनिज होते हैं उसमें क्या होता है, वो जो पुअर क्वालिटी का मिनरल्स होता है उसमें ये ग्रो करते हैं। सो दे कैच इंसेक्ट्स वॉर्म्स एक्सेट्रा, इसलिए ये इंसेक्ट्स और वॉर्म्स को क्या करते हैं? कैच करके खाते हैं। And eat them. Such plants are called insectivorous or carnivorous plants. इसलिए हम ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? Insectivorous और carnivorous plants. Now next, the flow of energy. ये देखिए, ये flow of energy है. All living things need energies to stay alive and do various activities. सभी सजीव वस्तुओं को ऊर्जा चाहिए होती है अपने आप को जिंदा रखने के लिए और कई कामों को करने के लिए। फ्रॉम वेयर डू दे गेट दिस एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है, ये पाते कहाँ से है? द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन, ये देखिए जो ये सन है ये क्या है? इसका चीफ सोर्स है, सबसे प्रमुख सोर्स है एनर्जी का। इसके बाद प्लांट्स ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स क्या करते हैं? इस एनर्जी को लेते हैं जब इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन टू ह्यूमंस, इसके बाद ये एनर्जी कहाँ आती है? ह्यूमंस पे आती है। ये ऊर्जा फिर प्लांट से ह्यूमन, प्लांट्स ने एनर्जी कहाँ से ली? सन से ली। फिर ह्यूमन बींग्स ने कहाँ से ली? प्लांट से ली। इसके बाद एंड एनिमल्स व्हेन दे ईट प्लांट्स, अ
इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग जो सजीव वस्तुएं होती हैं, ये कैसे एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं। एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन मेनी वेज। जानवर, पौधे और ह्यूमन बींग जितने भी होते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं कई तरीकों से। वी हैव सीन दैट ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हमने देखा होगा कि सारे जानवर और ह्यूमंस जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से डिपेंड होते हैं किस पे, प्लांट्स पे अपने खाने के लिए। प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स, प्लांट्स भी डिपेंड होता है, निर्भर होता है किस पे, एनिमल्स पे और ह्यूमंस पे फॉर नरिशमेंट, अपने भोजन के लिए, अपने पोषण। भाई प्लांट्स को पोषण कहाँ से मिलेगा, वो भी तो कहीं से पोषण लेगा ना, तो पोषण नरिशमेंट को हिंदी में कहते हैं पोषण। व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई, जब एनिमल्स और जानवर और प्लांट्स दोनों मर जाते हैं, देयर बॉडीज डीके एंड मिक्स विद सॉइल, उनकी बॉडीज जो है वो सॉइल में मिल जाती है। इट प्रोवाइड्स यूजफुल मिनरल्स टू द सॉइल, तो वो क्या करती है, सॉइल को कुछ उपयोगी खनिज प्रदान करती है। लिविंग थिंग, लिविंग प्लांट्स देन एब्जॉर्ब दीज मिनरल्स, जो लिविंग प्लांट्स होते हैं, सजीव पौधे जो होते हैं, वो क्या करते हैं, इस मिनरल्स को, इस खनिज को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू देयर रूट्स, किससे, रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट से इनको अपने अंदर लेते हैं। सिमिलरली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसी प्रकार से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान, प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, प्लांट्स हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, विच ह्यूमंस एंड एनिमल्स नीड फॉर ब्रीदिंग, जो ह्यूमंस, हम जैसे लोग और एनिमल्स को सांस लेने में उपयोग करता है। एनिमल्स एंड ह्यूमंस इन रिटर्न गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, अब एनिमल्स और ह्यूमंस गिव मतलब छोड़ता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, विच प्लांट्स नीड फॉर फोटोसिंथेसिस, वो प्लांट्स लेता है, प्लांट्स को उसकी ज़रूरत होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। बिसाइड्स फूड, प्लांट्स ऑल्सो गिव मेनी यूजफुल थिंग्स, केवल प्लांट्स जो होता है वो फूड ही नहीं देखा, और भी यूजफुल और भी उपयोगी थिंग्स वो हमें प्रदान करता है। यूजफुल थिंग्स टू ह्यूमंस एंड प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी एनिमल्स, और एनिमल्स को, जानवरों को क्या देता है, प्लांट्स शेल्टर देता है, यानी छाया देता है जिसके नीचे वो रहते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमंस इन टर्न हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स ऑफ प्लांट्स, देयर बाई इंक्रीजिंग देयर नंबर, अब एनिमल्स और ह्यूमंस क्या करते हैं, उनको लगा के क्या करते हैं, उनके नंबर को इंक्रीज करेंगे। भाई अगर हम प्लांट्स नहीं लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा, तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसीलिए पूरे चैप्टर में अब हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से एनिमल्स, प्लांट्स या ह्यूमन बींग्स एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इस चैप्टर को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा, और इसकी एक्सरसाइजेस हैं, इनको आपको कॉपी में करना है, फिर क्वेश्चन आंसर करिएगा, और बहुत ही साफ सुथरी राइटिंग में करिएगा। थैंक यू।